मैंने गेट नंबर 7 से एंटर किया बिकॉज वहाँ पे फुल खाली था. सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. पूरी रात सोया नहीं हूँ बट आई एम वेरी एक्साइटेड. आई गोइंग टू लंदन. नहीं, जा रहे हैं लंदन से भी बढ़िया, बेटर प्लेस है यार. चलो अब मैं वहाँ पे आके मिलता हूँ. बढ़िया अपना पोटली. तो एज द टाइटल सेज वी आर हेडिंग टू मेघालय. वी गोना हैव सम ग्रेट टाइम आउट देयर. ऑब्वियसली आप लोग देखोगे. एंड अभी की बात अभी करते हैं, आगे की बात तो होती रहेगी. सो अभी मेरा चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया. जस्ट उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे गुवाहाटी में मुझे मेरा चेक इन बैग सही सलामत मिल जाए, क्योंकि कैमरा से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सुबह सुबह की जो फ्लाइट है उसमें एक ही दिक्कत है, इतना भीड़ होता ना. लाइक जस्ट चेक दिस आउट, ऐसा लग रहा है मैं कोई इंटरनेशनल इमिग्रेशन के काउंटर में जाऊँ. जो अभी लॉन्ग लाइन, लेट्स सी, आई होप कि जल्दी निकल जाऊँ. और यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा टेस्ट होना, बिकॉज मेरे सब लैपटॉप्स कैमरा सब बाहर निकलेंगे और सही सलामत उस तरफ आएंगे. वापस उसको उठा के बैग के अंदर भरना है. मेरे को पता है मैंने किस तरीके से अंदर घुसा है उसको. अब उसको वापस निकालना है, ट्रे में डालना है. दिस इज वन स्टेप, दैट्स इट. ये खत्म हो गया ना, फिर तो मस्ट है मस्ट का. फाइनली आधे घंटे के बाद ख़त्म हुआ उन लोगों का चेकिंग वेकिंग. पूरा बैग का धजिया उड़ गया मेरे. अभी वापस से सेट किया मैंने, बट इट्स नॉट हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम माई प्लेस. बट चलेगा, क्योंकि ये टेम्प्रेरी फिक्स किया मैंने. एक बार वहाँ पे पहुँच जाऊँ गुवाहाटी में, देन इट्स गोना बी अ डिफरेंट सेटिंग ऑल टुगेदर. तो अभी के लिए टेम्प्रेरी है, चलेगा. एंड थिंग्स आर सेफ विद मी. अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई अपना जो चेक इन बैगेज है वो गुवाहाटी में ठीक से मिल जाए, बाकी फिर तो मज्जे आने वाले हैं, मज्जे. ठीक है, चलो. और अभी तुम लोगों ने मेरे शूज़ दिखाओ. शूज़ देखो, एक में फ्लोरोसेंट लेस है, एक में think I'm seeing things, read the line in between, yellow light, I gotta speed up, get home to a cold shower, need that pronto, look like a rave. It's almost 6, अभी जाके मैंने जस्ट ये पानी का बॉटल लिया, 120 रुपीस, गंगा खुद आकर डाके भी, थोड़ा बैटरी लो हो रहा है मेरा, अभी मेरे को सोना है, क्योंकि मैं पिछले 48 आवर्स में हार्डली 5-6 घंटे सोया. So I just need to get some sleep. और मुझे डर है कि मैं इधर कहीं सो गया तो फ्लाइट चली गई है. Pronto, look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mansion in the top gold. Fill up my cup with the pot, whoa. Eye off life in the spot, though. Running at the visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleece. So much going on, it's hard to focus on the features. I got one, too many, I'm going. Two, too crazy, and I got three, bad ones, and they ready. Four, a good time, so now it's five, in the ऑलराइट गाइस, हम लोग एयरपोर्ट से थोड़े दूर आ चुके हैं. एंड मैंने ये जो बाइक आप लोगों को दिखाई, ये मैंने मंगाया है जाबोल बाइक रेंटल से. और किशोर जो है ये जाबोल बाइक रेंटल से ही आए हैं ड्रॉप करने के लिए. सो थैंक यू सो मच किशोर. इन्होंने सिर्फ बाइक ड्रॉप नहीं किया बट मुझे ये बैग बांधने में और बाकी सब चीज़ों सेट करने में हेल्प किया. और इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में करने से हम लोग थोड़ा आगे आके करते. डॉक्यूमेंट्स में इन लोगों को आधार कार्ड ओरिजिनल वाला जो है वो आप वो लेके जाते हैं. आप लोग फोटो लेके मेघालय घूम सकते हो, ऐसे ही बोल रहे. मैंने इनके ओनर से ही बात किया जो भार्गव जी है, उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो लेके घूम सकते हैं. लोकलाइट का तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको छोड़ देते, बट टूरिस्ट के साथ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा वो आगे जाके पता चलेगा. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. अब भी सब सेट है, टैंक बैग भी हो चुका है यहाँ पे. जितना एफजी में नहीं बैठा ना मेरा टैंक बैग, उतना अमेजिंगली इधर हिमालयन पे बैठ गया. एंड वन मोर थिंग विच आई हैवंट टोल्ड यू गाइस, बिकॉज यार इंटरनेट पे हर जगह तो दिख ही रहा है आजकल. हीरो गोप्रो 10 मैंने मंगाया था और मैंने इसका अनबॉक्सिंग कुछ किया नहीं, बिकॉज ऑल ओवर यू कैन फाइंड इट ऑल ओवर यूट्यूब. तो मैं क्या अलग से अनबॉक्सिंग करूँ. सो वी वुड हैव सम बाइक फुटेज एज वेल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रॉब्ली स्पिटी. सो दैट्स इट. अभी पेट्रोल भरना है एंड देन हम लोगों को निकलना है मेघालय की तरफ, दैट इज शिलोंग. सो अभी मैं गुवाहाटी में हूँ. फ्रॉम हियर वी आर हेडिंग टू शिलोंग. ऑलराइट, चीयर्स. चलो, थैंक यू. रास्ते में मुझे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख गया और यहाँ पे अभी मैंने 1000 रुपये का फ्यूल अप कर लिया. सो दैट शुड बी इनफ फॉर मी टू टेक टू गो टू शिलोंग.
और अभी हम लोग बीच में कुछ ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेंगे, बीच में भूख लगा तो शायद कुछ ब्रेक ले लेंगे, एंड रेस्ट आई विल कवर ऑन GoPro। हालत बहुत ख़राब है मेरा क्योंकि नींद नहीं हुआ है, एंड धूप इतना कड़क है कि पहले एक बार मैं मेघालय के अंदर थोड़ा पहुँच जाऊँ तो ठंड लगी, एज इन द क्लाइमेट वुड बी प्लेजेंट, और उसके बाद फिर मज़ा आएगा। मैंने GoPro पे ना भाई ये माइक का सेटिंग नहीं किया है क्योंकि उसके लिए फिर मुझे वायर्स इसके अंदर हेलमेट से निकालना होगा, एंड बिकॉज ये भाड़े में मिला हुआ हेलमेट है मुझे उतना टाइम नहीं मिला अभी करने के लिए। सो वंस आई गो टू द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग वहाँ पर टाइम मिलेगा, उसके बाद हम लोग वो सेटअप भी करेंगे, और फिर कल से हम लोगों को राइड करते करते बात करने मिलेगा जो हम लोग स्पिटी के ज़माने में करते हैं। चीयर्स। भाई शिलोंग शिलोंग इट्स 2:30 एंड आई एम जस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस दैट आई एम गोना स्टे और लाइक वाइंड अप फॉर टुनाइट, एंड अप टिल हियर फ्रॉम गुवाहाटी आई हैव कम विद दिस बीस्ट, एंड ओ बॉय दिस वाज वन ऑफ द अमेजिंग राइड्स दैट आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। लाइक यामा FZ के बाद जो ये मैंने एक नए बाइक को ट्राई किया, अपग्रेड किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम राइडिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन, एंड आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड जस्ट ऑन द फर्स्ट डे। आई एम श्योर मुझे आगे के दिनों में और भी इसके बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा, वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट लेटर। एज ऑफ नाउ लेट्स हेड टू द प्लेस वेयर वी आर सपोज टू रीच और एल्स इट माइट गेट डार्क। इट्स 2:30 और मेरे पास पानी नहीं है, कुछ नहीं है, पानी जितना भी था मैंने पी लिया, बाकी कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि मैंने कैश नहीं लिया और यहाँ पे कोई जीपे एक्सेप्ट नहीं करता है। हाउ फुलिश ऑफ मी यू नो, तो मुझसे बोला भी नहीं आ रहा है। चलो भी रास्ते में आगे मिलते शिलोंग पहुँचने के बाद। लखीमपुरा लखीमपुरा रामकृष्ण डिस्पेंसरी। रामकृष्ण डिस्पेंसरी किधर है? फाइनली रीच अराउंड 5, सब कुछ फिगर आउट किया मैंने कौन सा बेड अवेलेबल है, और फिर बाद में सब सामान निकाले, थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ, नहाया नहीं अभी तक मैंने क्योंकि मुझे 5 बजे से वो काम पे बैठना था, एंड नाउ दैट आई हैव गॉट सम फ्री टाइम आई एम गोना गो एंड यू नो गेट फ्रेशनड अप लाइक टेक बाथ प्रॉपरली। बैक का हालत अभी इसलिए ऐसा है, एंड बाय द वे दिस इज माय फ्रेंड हियर, आई मेट हिम हियर ऑब्वियसली, हिज नेम इज रिकी, इज़ ऑल्सो ऑन अ वर्केशन वेयर इज लाइक यू नो वर्किंग एंड देन अपना वेकेशन भी कर रहे हैं। टुमोरो देयर वॉज a plan which actually got postponed because of internet issues in that place where I was supposed to go. So अभी थोड़ा सा मुझे रात को बैठ के उसका भी tweaking करना पड़ेगा। So time 10:30 हो रहा है, ना के आने के बाद मैं काम पर बैठ गया, and now it's time for the first meal of my day. So once it is done, probably I'll wind up my work जो और 2-3 घंटे चलेंगे, उसके बाद कल सुबह के निकलने के लिए तैयारी।